बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को मुंबई में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट एक्सी का पहला मामला मिलने की सूचना दी है। जैसे ही भारत में इस खतरनाक वेरिएंट का केस मिलने की खबर वायरल हुई तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से इस तरह के किसी भी मामले की आधिकारिक पुष्टि से मना करते हुए खबर को खारिज कर दिया। खैर, कोरोना का ये वेरिएंट भारत में आया हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें कोरोना के अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले तेजी से फैलने की क्षमता है और कई देशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में मिले इस वेरिएंट के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मानना है कि इसमें अपने मूल रूप यानी ओमिक्रॉन के मुकाबले 10 गुना तेजी से फैलने की ताकत है। एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। WHO ने अपने नए अपडेट में बताया कि एक्सी वेरिएंट का पहली बार UK में 19 जनवरी को पता चला था। तब से 600 से अधिक सीक्वेंस में इसके मिलने की पुष्टि की गई। चलिए जानते हैं एक्सी वेरिएंट क्या है और इसे भारत में इसके असर को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट की 5 बड़ी चेतावनी। पहला, तेजी से फैलने की क्षमता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस नए वेरिएंट में कोरोना वायरस के पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से संचरित होने की क्षमता है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि ओमिक्रॉन के मुकाबले 10% अधिक संक्रामक है। हालांकि संगठन ने कहा है कि इस खोज के लिए और पुष्टि की आवश्यकता है। दूसरा, कैसे बना और कहां से आया एक्सी वेरिएंट। एक्सी वेरिएंट का पहली बार जनवरी में ब्रिटेन में पता चला। यह ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब कोई मरीज कोविड के कई प्रकारों से संक्रमित होता है तो रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन सामने आते हैं। तीसरा, क्या सच में घातक है एक्सी वेरिएंट। UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि दो वेरिएंट से मिलकर बनने वाले म्यूटेंट आमतौर पर जल्दी मर जाते हैं। एजेंसी का ये भी मानना है कि इसके फैलने की क्षमता, गंभीरता या वैक्सीन प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। चौथा, ब्रिटेन में निकला एक्सी वेरिएंट का दब। UK की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार इंग्लैंड में XE वेरिएंट को लेकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है, जबकि ये देश में कुल कोविड मामलों के 1% से भी कम है। पांचवा, क्या भारत की टेंशन बढ़ाएगा एक्सी वेरिएंट। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में नए COVID-19 वेरिएंट का डेल्टा जैसा प्रभाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश की जनता का उच्च स्तर पर टीकाकरण हो चुका है। इसके अलावा भारत में बहुत से लोगों के पास कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।